बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम इनहास में खुश आमदेद। आज इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड स्टील के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में बताएंगे। इन ब्रांड्स में पाकिस्तान की टॉप की बड़ी ब्रांड्स जो कि मशहूर और नामी ग्रामी हैं, उनके रेट के बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ब्रांड्स ने भी दीगर ब्रांड्स की तरह और लोकल स्टील की तरह फी टन स्टील की कीमत के अंदर कितना इजाफा किया है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह के आप गुज़िश्ता 5 से 6 हफ्ते से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर स्टील की कीमत तेज़ी से कम हो रही थी, अभी तकरीबन 5 से 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और स्टील की कीमत दोबारा हर दूसरे तीसरे दिन 2000, 4000, 6000 रुपये फी टन उसकी कीमत के अंदर इजाफा किया जा रहा है। और ये चीज़ ख़रीदारों के लिए नहायत ही परेशानी का सबब है, क्योंकि वो तमाम दोस्त जो अपना घर शुरू करना चाह रहे थे या शुरू किया हुआ था, वो इस उम्मीद में थे कि जब स्टील की कीमत 2 लाख के करीब या उससे नीचे आ जाएगी तो फिर हम स्टील ख़रीदेंगे। लेकिन स्टील की कीमत ने कुछ डिप लेने के बाद दोबारा फिर से सर उठा लिया है और उसकी कीमत के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसकी मेन वजह हमारे मुल्क के जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है वो है, और इसके साथ साथ जो डॉलर की कीमत के अंदर इजाफा होना शुरू हो गया है और दोबारा से डॉलर ने जो बुलंद उड़ान भर ली है, उसकी वजह से दोबारा से स्टील की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी देख लेते हैं कि जो टॉप की बड़ी ब्रांड्स हैं उनके ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उनकी कीमत के अंदर फ़ी टन कितना इजाफा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरेली स्टील की। अमरेली स्टील का आज का ताज़ा तरीन रेट है 273 रुपये पर के जी या 2,73,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 275 रुपये पर के जी या 2,75,000 रुपये पर टन। मुगल स्टील में ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 273 रुपये पर के जी या 2,73,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 275 रुपए पर केजी या 2,75,000 रुपए पर टन। एएफ स्टील का ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 270 रुपए पर केजी या 2,70,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 272 रुपए पर केजी या 2,72,000 रुपए पर टन। आगा स्टील का ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 271 रुपए पर केजी या 2,71,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 273 रुपए पर केजी या 2,73,000 रुपए पर टन। मोई स्टील, जो कि एक बड़ी और जानी मानी ब्रांड है, इसके ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 271 रुपए पर केजी या 2,71,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 273 रुपए पर केजी या 2,73,000 रुपए पर टन। इत्तेहाद स्टील का ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 266 रुपए पर केजी या 2,66,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 268 रुपए पर केजी या 2,68,000 रुपए पर टन। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के अंदर मुगल स्टील, अमरेली स्टील, आगा स्टील, एएफ स्टील, मोई स्टील और इत्तेहाद स्टील के ग्रेड 40 और ग्रेड 60 के ताज़ा तरीन रेट। दोस्तों, आपने देख लिया कि जिस तरह दीगर स्टील यानी जो लोकल स्टील हैं उन्होंने और जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टील की कीमत में इजाफा किया है, इसी तरह जो पाकिस्तान की टॉप की बड़ी ब्रांड्स हैं उन्होंने भी 6 से 7 हज़ार रुपये फी टन अपनी ब्रांड की जो कीमत है उसको बढ़ा दिया है। और इस कीमत के बढ़ने की वजह से जो सार्फीन हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, और इससे ना सिर्फ स्टील की जो ख़रीदारी है वो मुतासर होगी बल्कि इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी की पूरी बेहद मुतासर होगी। ये थी अब तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इन मालूमात से बाखबर रह सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।